आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि शरीर में मोच आने का क्या तात्पर्य है। हमारे पास यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। ये हमारा पहला विकल्प है, ये दूसरा विकल्प है, ये तीसरा विकल्प है और ये चौथा विकल्प है। हमें यहाँ पे बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मोच क्या होता है। तो किसी अस्थि संधि के क्या होगा, अस्थि संधि अस्थि संधि के जो स्नायु है क्या है, स्नायु स्नायु जब अपनी क्षमता से अधिक खींच जाते हैं क्या होते हैं, अपनी क्षमता से जब ये अधिक खींचे जाते हैं तो क्या होता है, इस प्रकार की चोट को हम क्या कहते हैं, मोच कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रकार की चोट को हम मोच कहते हैं, मोच कहते हैं। और चोट लगने के साथ ही सूजन शुरू हो जाता है मोच के स्थान पर। और मोच जो है वो किसी भी जोड़ में हो सकता है। कहाँ पे हो सकता है, किसी भी जोड़ में हो सकता है। और ज्यादातर जो मोच है वो एड़ी और कलाई के जोड़ों में ज्यादातर होते हैं। यदि विकल्प में देखें तो हमारा पहला विकल्प क्या है कि स्नायु का कम खिंच जाना। तो स्नायु के कम खिंचने से मोच नहीं होता है, तुम्हारा विकल्प पहला नहीं होगा। विकल्प दूसरा है कि स्नायु का अधिक खिंच जाना। तो जब स्नायु है वो अपनी क्षमता से अधिक खिंच जाता है अस्थि संधि से, तो क्या होता है, शरीर में मोच हो जाता है। तो हमारा जो विकल्प दूसरा है वो इसका सही उत्तर होगा। और विकल्प तीसरा क्या है, हड्डियों का खिंच जाना। तो हड्डियों का खिंच जाना मोच नहीं कहलाता है, तुम्हारा विकल्प तीसरा भी नहीं होगा। विकल्प चौथा क्या है, आंतरिक अंगों का खींचे जाना। तो आंतरिक अंगों के खींचे जाने से भी मोच नहीं होता है, बल्कि स्नायु के अपनी क्षमता से अधिक खींचे जाने के कारण मोच होता है। तो हमारा विकल्प चौथा भी नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो विकल्प दूसरा है वो इसका सही उत्तर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।